Hello. In this video, let's understand section 39 and section 40 of CRPC. So section 39 talks about the duty of the public to give information of certain offences. ये section duty bound कर रहा है लोगों को कि अगर उन्हें कोई offence के होने की या किसी के intention की कि कोई offence कर सकता है तो उसके बारे में या तो police को या nearest magistrate को inform करना होगा. आप समझते हैं कि ऐसे कौन कौन से offences हैं जिनकी information देना compulsory है. तो offences against state, against public tranquility, relating to illegal gratification, relating to adulteration of foods and drugs, affecting life, relating to kidnapping for ransom, etc. and so on. पूरी लिस्ट सेक्शन में दी गई है. अगर कोई पर्सन इन्फॉर्म नहीं करता है तो बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर होगा कि उसने क्यों इन्फॉर्म नहीं किया है. समझने वाली बात ये भी है कि अगर कोई इंटेंशनली ओमिट करता है इन्फॉर्मेशन देने की तो सेक्शन 176 एंड सेक्शन 202 ऑफ आईपीसी उस पर लग सकता है. अब सेक्शन 40 के बारे में समझते हैं. तो सेक्शन 40 ड्यूटी बाउंड करता है विलेज ऑफिसर्स को और विलेज रेसिडेंट्स को कि इस सेक्शन में लिखी हुई बातों को या तो नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट को या पुलिस ऑफिसर को इन्फॉर्म करना होगा. अगर कोई स्टोलन प्रॉपर्टी का वेंडर या रिसीवर का कोई टेम्परेरी या परमानेंट रेसिडेंस उस गाँव में है तो उसके बारे में बताना होगा. किसी ठग, एस्केप्ड कॉन्विक्ट, रोबरर या कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है तो उसके बारे में बताना होगा. अगर किसी ने आईपीसी के कुछ नॉन बेलेबल ऑफेंसेस या किसी और सेक्शन में जो कि इस सेक्शन में लिखे हुए हैं उसके अंदर कोई क्राइम कमिट कर दिया है तो इसकी इन्फॉर्मेशन देनी होगी. कोई सडन या अननेचुरल डेथ होती है वो भी सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस में, या किसी की बॉडी पड़ी हुई मिलती है और उसको देखकर समझ आ रहा होता है कि कोई नॉन बेलेबल ऑफेंस कमिट हुआ है तो उसकी इन्फॉर्मेशन देनी होती है. डीएम को किसी क्राइम को प्रिवेंट करने के लिए इन्फॉर्मेशन देनी होती है. तो अब अगर किसी को पता होते हुए भी वो इन्फॉर्मेशन नहीं देता है तो उस पर आईपीसी का सेक्शन 176 या सेक्शन 202 लग सकता है. सो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 40. थैंक यू गाइस, स्टे ट्यून्ड.